यूएसए, यूके और जर्मनी जैसे देशों के पॉपुलर साइंटिस्ट के बारे में तो पूरा भारत जानता है, पर क्या आप जानते हैं कि हमारे खुद के देश में ऐसे हजारों साइंटिस्ट हैं जिनका शायद आप नाम भी नहीं जानते, पर वो हमारे देश का नाम साइंस की फील्ड में अलग बुलंदियों पे ले जा चुके हैं। हो सकता है आप कुछ दो तीन मेल साइंटिस्ट का नाम जानते भी हों, जैसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, विक्रम साराभाई और कुछ और भी, पर क्या आप कल्पना चावला के अलावा किसी भी और भारतीय फीमेल वैज्ञानिक का नाम जानते हैं? अगर नहीं तो आप भी मेरी तरह हैरान होंगे ये जानकर कि भारत का गौरव बन चुकी हैं ये। मैं खुद साइंस की फील्ड से होते हुए कोई और नाम नहीं जानती, इसलिए इस सीरीज प्राइड ऑफ इंडिया आर फीमेल साइंटिस्ट में मैं आपको उन कई इंडियन फीमेल साइंटिस्ट के बारे में बताऊंगी जिनके काम के बारे में जानकर आपको खुद गर्व होने लगेगा, और हो सकता है कि मेरी ही तरह आपके लिए भी ये सारी साइंटिस्ट फीमेल रोल मॉडल बन जाएं। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं कमला सोनी से। कौन कितना इंटेलिजेंट था या कितनी डिग्रीज ली ये तो सारी बुक्स बताती हैं, पर असली स्ट्रगल होती है सोसाइटी के लगाए गए रूल्स को हटाने में। 1900 के दौर में भी इंडिया साइंस की फील्ड में वुमेन साइंटिस्ट को जगह देने से कतराती थी। कमला सोनी एक वेल एजुकेटेड फैमिली से थी, उनके भाई और पिता दोनों ही जाने माने केमिस्ट थे, तो उन्होंने भी अपनी ग्रेजुएशन फिजिक्स और केमिस्ट्री की फील्ड में करने का ठाना और क्लास में पहला रैंक भी हासिल किया। अपने पापा और भाई की तरह वो भी टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से रिसर्च करना चाहती थी, क्लास में फर्स्ट रैंक भी आई थी तो एडमिशन मिलना तो बहुत ही आसान होना चाहिए था, पर था नहीं। जानना चाहेंगे क्यों? क्योंकि जाने माने भारतीय वैज्ञानिक, इंडिया से फिजिक्स में नोबेल जीतने वाले पहले साइंटिस्ट सर CV रमन, जो उस समय इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर थे, उन्होंने अपने अंडर एक फीमेल रिसर्चर को रखने से इनकार कर दिया। तो कमला सोनी ने भी इस अन्याय को सहने से इनकार कर दिया। उन्होंने सर CV रमन के ऑफिस के आगे तब तक सत्याग्रह किया जब तक वो उन्हें एडमिशन देने से सहमत नहीं हुए। उन्हें एडमिशन भी इसी शर्त पर मिला कि अगले एक साल तक उनकी रिसर्च को कोई रिकॉग्निशन नहीं मिलेगा। पहले देखा जाएगा कि क्या वो सच में रिसर्च के काबिल है भी। हालांकि ये भी एक तरीके का अन्याय ही था उनके खिलाफ, पर फिर भी कमला सोनी ने ये शर्त मान ली। उनकी काबिलियत से सर CV रमन इतने प्रभावित हुए कि उनकी रिसर्च के बाद से उन्होंने इंस्टीट्यूट में फीमेल रिसर्चर को एडमिशन देने की इजाज़त दे दी। कमला सोनी जी ने बायोकेमिस्ट्री में कई अवार्ड्स हासिल किए और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की पहली लेडी डायरेक्टर भी बनी। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से PhD भी कम्प्लीट की, वो पहली भारतीय महिला थी जिन्हें PhD हासिल हुई। इसके अलावा उन्होंने पौधों में पाए जाने वाले एक नए एंजाइम साइटोक्रोम C की भी खोज की। न जाने उनकी और कितनी ऐसी अचीवमेंट्स हैं जिनके बारे में कोई जानता नहीं, पर जितना आज जान गए हैं उससे हम हर हाल में कह सकते हैं दैट शी वॉज प्राइड ऑफ इंडिया। सो आई होप कि आप भी उनकी लाइफ से इंस्पायर हुए होंगे, क्योंकि मैं तो उनकी फ़ैन हो गई हूँ। तो मिलेंगे फिर अगली बार एक और फीमेल साइंटिस्ट की इंस्पायरिंग स्टोरी जानने के लिए। अभी के लिए स्टे इंस्पायर्ड।